तो इधर जमे हुए मेरे तमाम विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो, आ रही है? ठीक है, तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे कुछ डेफिनेशन पूछ के। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Distinct group having different properties is called electromagnetic spectrum. Yes. वो जो electromagnetic spectrum ना ऊपर से नीचे तक सिग्नल्स में बताओ। हमारे अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। Characteristics of electromagnetic wave. Perpendicular to direction of propagation. Very good. Or बच्चा अपने पास भी मोबाइल ले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू what is the characteristics of electromagnetic wave? Bhai sahab, what is the ground wave propagation? Radio waves transmitted from transmitting antenna to receiving antenna along the ground surface. Ground surface. Along the ground surface, that type of propagation is called as a ground wave propagation. Okay. What is the phase wave propagation? Radio wave transmitting from transmitting antenna to receiving antenna. Either directly or reflected from troposphere or reflected from the ground, that propagation is called as a space wave propagation. Ho gaya? Characteristics of electromagnetic. Huh? Correct. What is the ground wave propagation?
ट्रांसमिटिंग एंटेना टू What is the electromagnetic spectrum? ठीक है, तो अपन अपने सेशन को शुरुआत करते बेटा। बारह क्या, बारह का छह करेगा तो भी बहुत हो गया। अच्छा, इसके लिए तू रुका है क्या? बारह करो या छह करो, अंदर तेरे को जितना जमेगा उतना कर, छह के नीचे मत कर। हो गया ना ये सब, तो क्यों देख रहे हो? अभी नया टॉपिक चालू कर दिया। अपने कौन से टॉपिक हो गए? देखो मेरे, मैंने कौन सा पढ़ाया है? मैथमेटिकल मेथड, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांजिस्टर, चलो साउंड, चलो साउंड। अभी देखो बेटा, व्हाट इज मीन बाय साउंड? अवर अच्छे से करो। हाँ, साउंड 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 का कौन सा पार्ट कैंसल हुआ है? कैंसल के अलावा किसके किसके पार्ट है? कैंसल पार्ट 8.2 8.3
हो गया कितना बार कैंसर है इसका। ठीक है सब लोग अपने बुक में ये पार्ट मार्क करके लेंगे ग्रेट पार्ट। चलो इसका ज्यादा से ज्यादा पार्ट कैंसल हो गया है तो प्लीज सी तो कैंसल पार्ट ऑलरेडी हम लोग ने इधर आपके सामने मार्क करके रखा है। ठीक है तो अभी बीच में किसी का भी आवाज नहीं चाहिए, मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है और कोई भी आवाज करेगा तो बाहर भेजा जाएगा। ओके थोड़ा भी डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए बीच में। चलो तो टाइप्स ऑफ वेव अभी देखो ओके ठीक है तो इसमें जो जो पॉइंट है वो मार्क करके लिए जो मैंने कैंसल पार्ट बोला है। ओके साउंड ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है और ये साउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले साउंड ये कौन से वेव का प्रकार है। यू नो दैट वेव के अलग अलग प्रकार होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ वेव हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में टाइप्स ऑफ वेव ये दो प्रकार के आते हैं। एक जो पहला प्रकार आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। व्हिच वेव वी आर ट्रांसवर्स वेव। और हम लोग दूसरा प्रकार कंसीडर करते हैं उसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। दूसरा वेव क्या है देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो वेव के कितने प्रकार है समझ में आया। तो कौन से ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अभी ये ट्रांसवर्स वेव मीडियम में ट्रैवल होती है। ट्रांसवर्स वेव मीडियम में ट्रैवल होती है तो कैसी ट्रैवल होती है देखो इन द फॉर्म ऑफ क्रश 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 क्रश। ये देखेंगे तो पता चलेगा बेटा इन द फॉर्म ऑफ क्रश 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 इस फॉर्म में ये वेव ट्रैवल होती है। ओके ये कौन से वेव का प्रकार है ट्रांसवर्स वेव का प्रकार। इसमें वेव के प्रकार में हम लोग क्या देखते हैं देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रश बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रश फिर इसको क्या बोलेंगे ट्रश। ये वेव अप डाउन फॉर्म में मोशन में आती है तो इसको हम लोग कौन सा वेव बोलेंगे बोलो ट्रांसवर्स वेव। व्हिच वेव वी आर ट्रांसवर्स वेव इन द फॉर्म ऑफ अप डाउन फॉर्म में ये ट्रैवल होगी। ठीक है इसका देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन
ये क्या रहेगा एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये क्या है देखो डायरेक्शन ऑफ किसका है बोलो, डायरेक्शन ऑफ किसका है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ किसका है प्रोपेगेशन। और इधर हम लोग जब देखेंगे तो ये क्या होता है डायरेक्शन ऑफ किसका है वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ किसका लिखा वाइब्रेशन। अभी आप मुझे बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये एक दूसरे को कैसा है बोलो ना, कैसा है यानी कि वाइब्रेशन ऐसा है अप डाउन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऐसा है, तो वाइब्रेशन ऐसा रहेगा प्रोपेगेशन ऐसा रहेगा, दोनों भी एक दूसरे को कैसे आता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कैसे आएगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कौन किसको परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब सपोज मान लो ये वेव है ना इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्या होता है देखो प्रोपेगेशन। ओके समझ में आ, मगर पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होता है मैंने बोला वो लोग, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और ये क्या है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ऑलवेज एक दूसरे को क्या रहेगा ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। लॉन्जिट्यूडनल वेव का थोड़ा अलग टाइप रहता है, ये वेव है ना जब मीडियम में ट्रेवल होने का टाइम आता है तो ये वेव है ना थोड़ा नाटक करके ट्रेवल होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या बनाती है देखो, ये ऐसे ब्लॉक बनाती है, ओके इधर क्या बनाती है ब्लॉक, ब्लॉक कैसे बनाती है देखो ये वेव, यानी कि ये पहले वेव कॉम्प्रेस होती है, क्या होती है बोलो कॉम्प्रेस, तो आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा दिस इज अ कॉम्प्रेशन, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे बेटा कॉम्प्रेशन कहेंगे, बीच कहेंगे यार कॉम्प्रेशन, ओके इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉम्प्रेशन, ठीक है कॉम्प्रेशन। और उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, अरे बोलो ना बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं सी और रेयर फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे आर, तो कॉम्प्रेशन को हम लोग क्या बोलने वाले सी, सी माने क्या होता है देखो कॉम्प्रेशन और आर माने क्या होता है रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन में ये क्या होती है देखो वेव फ्री होती है, आप लोग देख लेंगे तो पता चलेगा कि ये वेव क्या होती है फ्री होती है, किसमें रेयर फ्रैक्शन में, और कॉम्प्रेशन में ये वेव नजदीक आने का कोशिश करती है, समझा कि नहीं समझा। उसके बाद आगे क्या होता है देखो, इधर वेव क्या हो जाएगी फिर से इधर क्या आएगी, अरे बोलो ना क्या हो जाएगी कॉम्प्रेशन, फिर से ये वेव क्या आएगी बोलो कॉम्प्रेशन आएगी, ओके कॉम्प्रेशन। उसके बाद वो फिर से बिचारी इसमें चली जाएगी रेयर फ्रैक्शन, जबकि ये जो वेव है ना मीडियम में ट्रेवल होती है, यानी कि ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये जो वेव ट्रेवल होती है वो क्या होती है देखो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में, और इसमें ये जो वेव ट्रेवल होती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ये ऑलवेज एक दूसरे को क्या करके लेती है परपेंडिकुलर। तो इस वेव का जो ट्रेवल होना, ये वेव का क्या होना ट्रेवल होना, ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओके दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ये क्या होता है कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, इस प्रकार से वेव आगे जाती है। क्लियर हो गया बेटा, आया ना, दिस इज कॉल्ड एज अ, दिस इज कॉल्ड एज अ, क्लियर हो गया, अरे आया ना, अरे जोर से बोलो, सब लोग बोलो, प्यार से बोलो, वेरी गुड। यानी कि दिस इज द एक्चुअल में क्या होता है जो जगह है वो सोने के लिए सोए वो जगह होने के लिए ये सब काम होता है। अभी आप बोलेंगे सर ये कौन से वेव रहते हैं और ये कौन से वेव रहते हैं, अपना ना ये जो साउंड वेव है ना साउंड वेव, ये साउंड वेव, ये साउंड वेव क्या होता है देखो लॉन्जिट्यूडनल, और आप लोग देखते हैं वो लाइट वेव, ये कौन सा वेव होता है ट्रांसवर्स, तो आपको क्लियर हो गया साउंड वेव कौन सा है लॉन्जिट्यूडनल और ये लाइट वेव कौन सा है ट्रांसवर्स। तो बच्चा लोग मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एकदम बंद कमरा है दिख रहा है आपको, ठीक है अभी उसमें सिर्फ मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, हाया ना, तो जबकि मैं बोल रहा हूँ तो इधर का जो मीडियम है ना मीडियम वो वाइब्रेट हो रहा है, कैसे वाइब्रेट हो रहा है देखो कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, उसके कारण मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, समझा ना।
ये मीडियम का एक एक जो पार्टिकल है, अभी देखो एक एक कोना इसमें से वाइब्रेट हो रहा है। इसके लिए कोई भी कोने पे इधर बैठेंगे तो मेरा आवाज सुन पाएंगे। क्यों बच्चा लोग? क्योंकि ये मीडियम क्या हो रहा है, देखो बेटा वाइब्रेट हो रहा है। अभी आप बाजू वाले क्लासरूम में जाएंगे, मेरा आवाज आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उधर का मीडियम मेरे आवाज के कारण वाइब्रेट होता नहीं है, क्योंकि बिटवीन में क्या है, देखो दीवार है। ये दीवार क्या करती है, देखो मेरा वाइब्रेशन को रुकाती है। क्योंकि देखो ये मीडियम वाइब्रेट होते जा रहा है, यानी कि कॉम्प्रेशन रिफ्रैक्शन होते आगे जा रहा है। जैसे कि वो दीवार को वाइब्रेट करने का कोशिश करता है, दीवार वाइब्रेट होती नहीं है। दीवार वाइब्रेट नहीं होती है, इसके लिए मेरा आवाज उधर जाता नहीं। चलो अभी मैंने क्या किया, देखो इधर प्लाईवुड लगाया। क्या लगाया? प्लाईवुड। देखो हल्का रहता है, मैं बोल रहा हूँ इसके कारण इधर का मीडियम वाइब्रेट हो रहा है। मीडियम वाइब्रेट होगा तो प्लाईवुड भी वाइब्रेट होगा। प्लाईवुड वाइब्रेट होगा तो उसके कारण बाजू वाला मीडियम वाइब्रेट हो सकता है, और उसके कारण मेरा आवाज उनको सुनाई देगा। नहीं समझा आपको मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला? अभी मेरा आवाज देखो बाहर भी नहीं जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि मेरा यही मीडियम को सिर्फ वाइब्रेट करता है, इसके लिए आपको सुनाई देता है। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? क्लियर हो गया क्या? अभी सपोज यही लेक्चर मान लो कि हम लोग अर्थ के बाहर टूर के लिए चले गए और हम लोग अंतरिक्ष में मेरा लेक्चर चालू किया। जैसे कि अंतरिक्ष में अपना लेक्चर चालू होगा, अंतरिक्ष में मीडियम है ही नहीं है। क्या नहीं है बेटा? मीडियम नहीं है। तो मैं बोलेगा मगर उधर का मीडियम क्या नहीं होगा, वाइब्रेट होएगा नहीं, तो मेरा आपका आवाज मेरी तरफ आएगा ही। समझा ना? सिर्फ मैं मेरा मुंह हिलाएगा मगर आपको मेरा आवाज सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उधर मीडियम नहीं है। क्योंकि ये कौन वाइब्रेट होता है? अरे ये कौन वाइब्रेट होता है? मीडियम वाइब्रेट होता है। इसमें क्या होता है? कॉम्प्रेशन रिफ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रिफ्रैक्शन। स्टैंड अप, बाहर जाओ और जो भी कुछ खा रहे तो क्या जाए। पिक्चर देखने के लिए बैठा है। समझा मैंने क्या बोला? क्लियर हो गया? अभी बच्चा लोग देखो, हाँ इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है बोलो बेटा, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है बोलो? ओके, और इसके लिए लाइट के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये ट्रांसवर्स वेव है, जो हम लोग लाइट देखते हैं ये कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स। वो कैसे आता है इधर? इन द फॉर्म ऑफ क्रैश ट्रैप, क्रैश ट्रैप, क्रैश ट्रैप करते करते आगे आएगा और बाद में हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो लाइट इज अ, लाइट के लिए मीडियम रहेगा तो भी चलेगा और नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ओके, यानी के वैक्यूम भी चलेगा। ठीक है, मीडियम रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं रहेगा तो भी ये नाखुश होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? तो मैंने कंसेप्ट टाइप्स ऑफ वेव में कितने प्रकार बताए? दो प्रकार। कौन से दो प्रकार है? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी देखो बच्चा लोग, देखो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पैरेलल। इसमें क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर। पहले क्या होता है? दबाता है, बाद में क्या होता है? फ्री होता है। पहले दबाता है, फ्री होता है, यानी कि दबाता है इसका मतलब क्या होता है बेटा? कॉम्प्रेस। फ्री होता है इसका मतलब रेयर फ्रैक्शन। दबाता है इसका मतलब कॉम्प्रेशन। तो वो कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन बन के आगे आगे चलेगा। समझ में आया? अरे हा या ना? हाँ।
हो गया रे क्या तुम्हारा हो गया रे ओए बोलना ठीक है आ जा इधर बैठ तेरा हो गया आ जाइए इधर आ जाए थर्ड बेंच पे बैठो फिर तुम लोग इधर हो जाओ इधर हो गया लिख क्या इसमें वाइब्रेशन क्या होते देखो परपेंडिकुलर रहते हैं इसमें क्लियर हो गया चलो चलो हाँ तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी और नए पॉइंट को सीखते हैं टाइप्स ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू नेचर नेचर के हिसाब अभी देखो
ये वाइब्रेशन के हिसाब से वेव के कितने प्रकार गिरे? दो। कौन से? ओके, और रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम के हिसाब से वेव के प्रकार अलग अलग होते हैं। टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ क्या लिखा बोलो बेटा? ओके, टाइप्स ऑफ वेव। अभी देखो बेटा, हम लोग को ना प्रॉपरली और प्रॉपर तरीके से सीखना है। ओके, टाइप्स ऑफ वेव, क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का रीजन है कि आप लोग जितना प्रॉपरली ना ये सब करने का कोशिश करेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, देखो वेव्स के अलग अलग प्रकार। सबसे पहला चीज मैकेनिकल वेव, पहला टाइप कौन सा है बोलो? मैकेनिकल वेव। आप बोलेंगे सर ये मैकेनिकल वेव क्या होता है? देखो बेटा मैकेनिकल वेव क्या रहेगा, ठीक है, एकदम सिंपल है। अभी देखो बच्चा लोग, मैं इधर क्या करेगा, देखो इधर आवाज करेगा, ठीक है, उधर कोई कान लगाएगा तो उसको भी वो आवाज आएगा, ठीक है। सपोज मान लो कि मैंने अभी देखो, एक बचपन में हम लोग एक गेम खेला करते थे, एक क्या था, एक डबड़ा लेते थे और एक दूसरा डबड़ा लेते थे, और डबड़े को हम लोग, दो डबड़े को एक वायर से कनेक्ट करते थे, या सपोज अपने पास जैसे कि स्ट्रिंग रहता उस स्ट्रिंग से कनेक्ट करते थे, एक एक नाड़े से कनेक्ट करते थे, वेरी गुड, किधर का निकलता था आई डोंट नो, मगर नाड़ा, ओके, नाड़े से कनेक्ट करते थे। और बाद में हम लोग क्या करते थे, देखो एक एक डबड़े से हम लोग हेलो हेलो करते थे और दूसरा बोलता था एस सर, ओके, नाउ लेट्स। ये अपना एक बचपन का एक छोटा सा गेम हुआ करता था बचपन में। ये सब चीजों से हम लोग को उस टाइम देखो मोबाइल ज्यादातर सबके पास नहीं होते थे, उस टाइम हम लोग को ये एकदम खुशी की चीज हो जाता था, क्योंकि एक खिलौना भी हो जाता था और ये एक अलग सा बेहतरीन थिंग होता। और देखो जितना ज्यादा लंबा हम लोग नाड़ा लेते, जितना लंबा नाड़ा लेते, अगर चार पांच पैंट का निकाल के लेता तो और उतना क्या होता है, उधर तलक तो आपका आवाज सुनाई देता। ओके, ये क्या होता था देखो उसको, ओके, ये हम लोग बचपन में एक पार्ट ऑफ गेम था, दिस इज कॉल्ड एज अ, उस वेव को अभी देखो ये नाड़े से जो वेव जाता था दिस इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल वेव, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्लियर हो गया मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है? अभी देखो ये जो वेव है ना, तो उसमें से वेव ट्रेवल होता है। उसके बाद देखो जैसे कि इसके बाद भी, जैसे कि कुछ दिनों पहले टेलीफोन हुआ करता था घर पे, तो वो वायर से कनेक्टेड होता था। उस टाइम हम लोग जो भी बात करते थे ना वो वायर में से जाती थी, ओके, यानी कि वायर को कट किया तो आपका आवाज बंद, ओके। तो इस वो कौन सा वेव था? मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव? मैकेनिकल। आज के डेट में हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं, दिस इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो आज के डेट में जो भी वायरलेस हो गया है वो किसकी बदौलत है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर हो गया? हाँ या ना? ऑनलाइन वाले बाद में बोलना मत, अमोल सर ध्यान नहीं देते है, ठीक है, आपको देख देख के पढ़ा रहा हूँ। हाँ, नाउ लेट्स सी प्रणीत सवन। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैंने अभी क्या, मैकेनिकल वेव, अभी देखो वेव, मैकेनिकल वेव रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर अ प्रोपोगेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैकेनिकल वेव के लिए क्या लगता है बोलो बेटा? अरे कोड लगता है, मटेरियल मीडियम। आप बोलेंगे सर कौन कौन मटेरियल मीडियम है? एयर है। ये कौन सा मीडियम है? वह मटेरियल मीडियम है, यानी कि इस वेव को मटेरियल मीडियम लगेगा। अभी देखो जैसे कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, यानी कि आप लोग को पता है, ये समझ में आया मैकेनिकल वेव क्या होता है? दिस वेव रिक्वायर विच मीडियम? रिक्वायर मटेरियल मीडियम, रिक्वायर मटेरियल मीडियम, ओके। और इसमें हम लोग देखेंगे तो इसके बीचों बीच हम लोग एक स्ट्रिंग टाइट करके रखेंगे, क्या करके? टाइट। इसको एक स्ट्रिंग को हम लोग ने क्या करके रखा? टाइट करके रखा, ओके। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेच स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे? स्ट्रेच स्ट्रिंग। एकदम टाइट करके रखा और इसके बाद उसको क्या कर दिया? तो हम लोग ने वाइब्रेट कर दिया।
तो ये वाइब्रेशन इस बीम के अंदर के वाइब्रेशन, तो जैसे कि देखो दिस इज कॉल्ड एज अ विच वेव हियर, मैकेनिकल वेव, समझ में आया मैकेनिकल वेव। और बच्चा लोग देखो साउंड वेव अपन जो ओके स्ट्रेच स्ट्रिंग, जैसे कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के स्ट्रेच स्ट्रिंग ओके के जो वाइब्रेशन रहते हैं दिस इज अ मैकेनिकल वेव। ओके यू नो दैट तंबोरा पता है, तंबोरा ओके वायोलिन पता है, उसमें क्या किया जाता है स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया जाता है और बाद में हम लोग उसको डिस्टर्ब करते अच्छा आवाज आता है। देखो दिस इज द बीच वे वी आर मैकेनिकल, समझा ना। और उसके बाद हम लोग है ना कुछ गेम भी खेलते हैं, देखो एक स्ट्रिंग को टाइट करके रखते हैं उसको मूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल वेव, समझ में आया ना। तो अभी आप लोग को पता होगा मैकेनिकल वेव का मतलब स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग व्हाट इज, अभी देखो स्ट्रेच स्ट्रिंग पता है आपको, इस स्ट्रिंग को मैंने टाइट कर दिया बराबर है ना, स्ट्रिंग को टाइट कर देते हैं और बाद में उस स्ट्रेच स्ट्रिंग को हम लोग क्या करेंगे वाइब्रेट करेंगे करेंगे ना, उसमें से जो वेव पास होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो बीच वेव क्लियर हो गया मैकेनिकल वेव क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये मैकेनिकल वेव अभी देखो मैं बोल रहा हूँ मेरे कारण कि क्या वाइब्रेट हो रहा है, देखो ये एयर मीडियम वाइब्रेट हो रहा है, एयर मीडियम वाइब्रेट हो रहा है इसके लिए मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है, आया ना ठीक है। क्योंकि अभी देखो ये एक एक कोना ये एयर मीडियम का जो कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के कारण वाइब्रेट हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड एज अ विच वे वी आर मैकेनिकल वे। स्ट्रेच स्ट्रिंग ये एग्जाम्पल ऑफ विच वे वी आर मैकेनिकल वेव। उसके बाद कौन सा वेव आएगा बोलो, उसके बाद कौन सा वेव आएगा साउंड वेव, उसके बाद कौन सा वेव आएगा साउंड वेव, साउंड वेव भी क्या है मैकेनिकल वेव ओके। उसके बाद एक वेव का प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं, सिस्मिक वेव। अभी ये वेव क्या है, अभी यू नो दैट अर्थक्वेक पता है, अर्थक्वेक में जो वेव आते हैं ना उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं सिस्मिक वेव, अर्थक्वेक में जो वेव आते हैं वो सिस्मिक वेव ओके। अभी क्या होता है देखो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अभी देखो जैसे कि कभी कभार क्या होता है देखो कि यू नो दैट एक महाड़ में कुछ दिनों पहले दुर्घटना हुई थी, उसमें क्या हुआ था देखो एक ब्रिज टूट गया था और दो बसेस पानी के नीचे गई थी ओके, यानी कि वो ब्रिज टूट गया। और आप लोग को वो पता होगा कि वो बस एक्सीडेंट हुआ था, दो तीन गाड़ियां पानी के नीचे गई थी और लोग मर गए थे, तो उनको ना बचाने के लिए अपने गवर्नमेंट ने क्या किया था, एनडीआरएफ का टीम छोड़ा था, क्या एनडीआरएफ यानी कि वो क्या करते वो बॉडी तो उनको तलाश के वो निकाल सकते ओके, क्योंकि कोई जिंदा बचा ही नहीं था, जो भी बहुत सारे लोग मरे थे तकरीबन 100 के ऊपर लोग मर चुके थे उस हादसे में। तो बच्चा लोग देखो उस टाइम क्या होता है उस रिवर में ना मगरमच्छ भी थे, तो अभी देखो मगरमच्छ है ना उस एक्चुअली क्या होता है एनडीआरएफ के जवान लोग है ना जब पानी के अंदर उतरेंगे तो मगरमच्छ उनको खा सकता था ओके, क्योंकि मगरमच्छ को क्या इंसान मिला तो छोड़ता नहीं है ठीक है। तो उसके लिए क्या करते देखो ये जो उनका जो बोट रहता है ना बोट उसके उसके पीछे से वो वेव छोड़ते हैं, कौन से सिस्मिक वेव, वो सिस्मिक वेव ना पानी को वाइब्रेट करता है और पानी को वाइब्रेट करेगा उसके कारण वो मगरमच्छ वगैरह ना वो आ नहीं पाते, तो ये सिस्मिक वेव है ना जनरेट किया जाता है किसमें पानी में। जैसे अर्थक्वेक होता है ना तो सिस्मिक वेव किसमें जनरेट होता है अर्थ सरफेस में, समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चा लोग मैकेनिकल वेव के लिए क्या जरूरी है, अभी देखो ये भी स्ट्रिंग में जनरेट हो रहा है इसके लिए कौन सा मीडियम मटेरियल मीडियम जरूरी है। उसके बाद ये देखो साउंड वेव किधर जनरेट हो रहा है मीडियम में, मीडियम नहीं रहेगा मैंने क्या बोला वैक्यूम में मेरा आवाज आएगा क्या आपको, नहीं मैं कितना भी चिल्लाओ मेरे को आपको मेरा आवाज आएगा नहीं, कुछ भी गिरेगा तो भी मेरा आवाज नहीं आएगा, समझा ना। सिस्मिक वेव यानी कि अर्थक्वेक वाले वेव
इसके लिए ये सभी के लिए क्या जरूरी है? अरे क्या जरूरी है? मटेरियल। इसके लिए इस वेव को हम लोग कौन सा वेव बोलते हैं? क्लियर हो गया? Why it is called as a mechanical wave? Because this wave को जनरेट होने के लिए require medium. So it is called as a which wave here? Mechanical wave. आया ना? क्लियर हो गया? Mechanical wave क्यों बोला जाता है? Okay, online वाले क्लियर हो गया? Okay, the wave which require material medium. The wave which require material medium is called as a mechanical wave. Okay, चलो. So write down mechanical wave. वाइब्रेशन जोरदार है, कोई भी एनिमल आएगा आने का कोशिश करेगा ना तो वो मर जाएगा एनिमल, इतनी खाई है। नसीब खराब हो गया। चलो राइट डाउन, बट द वेव विच रिक्वायर, वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, wave which require material medium for propagation is called a mechanical wave, is called mechanical wave. Wave which require material medium for a propagation is called, which wave we are? Mechanical wave. उसी को हम लोग कौन सा wave कह सकते हैं? यार हो गया? उसके बाद ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी ईएम वेव। देयर आर अभी देखो ईएम वेव में बताता हूं। ओके, अभी ये सब वेव के नाम लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसके नीचे लिखो स्ट्रेच स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल वेव के नीचे स्ट्रेच स्ट्रिंग, नंबर टू साउंड वेव, नंबर टू सिस्मिक वेव। मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल तीन है। ओके चलो बेटा, अभी क्या करना है देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, एकदम सिंपल पार्ट है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको ईएम वेव, ऑलरेडी हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है, आया ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होते हैं? परपेंडिकुलर टू कौन कौन परपेंडिकुलर रहता है? डायरेक्शन ऑफ किसका बोलो? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो बच्चा लोग देखो ये कौन कौन है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इच अदर, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे समझ में आया, ये किसको किसको परपेंडिकुलर रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैसा है
perpendicular and also perpendicular to direction of propagation. Okay, तो ये आप लोग ने देखा होगा. Okay, और इधर क्या होता है, require material medium for a propagation. इसमें क्या होता है, देखो require which medium material और किसके लिए बोलो, और अरे बोलो ना बेटा propagation, material medium for a propagation. Okay, require material medium for a propagation. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आया, इसमें दो चीजें आती है, कौन सी दो चीजें आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ओके, ये क्लियर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट. ओके, देखो इसमें क्या नहीं रखता है बोलो, नॉट रिक्वायर क्या है, मटेरियल मीडियम. ओके, बराबर है ना, इसके लिए मटेरियल मीडियम नॉट रिक्वायर, यानी कि रहेगा तो भी चलेगा मगर नॉट रिक्वायर विच मीडियम, अरे कौन सा मीडियम जरूरी नहीं है, मटेरियल मीडियम. विदाउट मटेरियल मीडियम ये वेव ट्रैवल हो सकते हैं, बराबर है ना, क्योंकि हम लोग देखो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर भी छोड़ते हैं, लाइट ये कौन सा वेव है, लाइट कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. बच्चा लोग देखो ये कौन है अपना, ये कौन है, अर्थ है, और बराबर है ना, अर्थ के सराउंडिंग में क्या है बोलो, ये मीडियम है, ये क्या है, मीडियम, ठीक है, और उसके बाहर कौन है, मीडियम के बाहर कौन है, वैक्यूम है, ठीक है, और ये अपना कौन है बोलो, सन है, सूर्य. अगर इधर से वेव आएगी, इधर से वेव आएगी, ये वेव किस में से ट्रैवल होती है, देखो वैक्यूम में से भी ट्रैवल हो गई है, और अभी देखो इधर अमोल सर गए और लेक्चर देना चालू कर दी, आवाज आएगा क्या इधर, आवाज आएगा, क्योंकि अमोल सर कौन सा वेव जनरेट होते करते हैं, मैकेनिकल वेव, समझा ना, मैकेनिकल वेव क्या होता है, देखो मीडियम नहीं है तो ट्रैवल होएगा नहीं, समझा आपको मैंने क्या बोला, मैकेनिकल वेव ट्रैवल होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसमें से ट्रैवल हो गया, वैक्यूम में से भी ट्रैवल हो गया, और मीडियम में से भी ट्रैवल हो गया, वैक्यूम में से भी ट्रैवल हो गया, और आया ना, जोर से बोलो, अरे सब लोग बोलो, प्यार से बोलो, क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया. ओके, तो ये कौन है, रिक्वायर नॉट, लिखना बोला नॉट रिक्वायर मटेरियल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर. ये लाइट वेव किधर से ट्रैवल होगी, वैक्यूम से आ रही है, वो वैक्यूम से भी ट्रैवल होगी, और अरे हाँ राइट डाउन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लिखो एग्जांपल में क्या क्या लिखेंगे, एग्जांपल में क्या क्या लिखेंगे बोलो, कौन सा रे, अरे बोलो ना, कोई गया नहीं है, यूनिटी नाम का कुछ नहीं, उसके बाद क्या होता है बोलो,
Electromagnetic wave produces vibration of electric field and magnetic field. Vibration, electric field and magnetic field. Electric field and magnetic field. Vibration in a electric field and magnetic field. Okay, electric field and magnetic field perpendicular to each other. Electric field and magnetic field perpendicular to each other and also perpendicular to and also perpendicular to direction of propagation. Direction of propagation. Okay. Direction of propagation. Electromagnetic wave not require material medium for a propagation. Thank you.
अभी देखो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैटर वेव। हाँ सब लोग अपने अपने मोबाइल है ना प्रॉपरली रखना, नहीं तो फिर वो मेरे कब्जे में आ जाएगा। ठीक है फिर वो नेक्स्ट सैटरडे मीन नेक्स्ट वेडनेसडे तक रख देते हैं। और आप लोग को पता है एक दिन मोबाइल नहीं रहता तो आप कैसे पागलों के जैसे इधर उधर। तो अभी देखो टाइप्स ऑफ वेव, पहला आता है उसका नाम है फ्लर पॉइंट। मैटर वेव कौन सा वेव बोलो? मैटर वेव। मैटर वेव ठीक है। तो अभी बच्चा लोग हम लोग को मैटर वेव के बारे में बातचीत करना है। व्हाट इज मीन बाय मैटर वेव? ओके वेव एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने? वेव एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड वेव है उस वेव को हम लोग कौन सा वेव बोलेंगे? ओके कौन सा वेव बोलेंगे? वेव एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ मैटर वेव। ओके इसका मतलब ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड वेव। अभी देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट है उसके साथ एसोसिएटेड वेव उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर वेव। बच्चा लोग देखो ये वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड वेव है। ओके फॉर एग्जाम्पल देखो हम लोग ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हैं तो क्या होता है? देखो आप लोग ट्रेन एग्जामिन करना ऐसे मूव। क्या सपोज हम लोग है ना सेंट्रल लाइन में जाते हैं तो ओके वेस्टर्न लाइन में एकदम मस्त, वेस्टर्न लाइन की पटरी बहुत अच्छी है जिसमें से ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होता है तो थोड़ा बहुत ऐसा 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 होता है। ठीक है ओके मगर हार्बर लाइन में जाते हो ना तो एकदम खतरनाक, यानी कि हम लोग बैलगाड़ी में बैठे हैं और बीच बीच में ऐसा ऐसा।
ठीक है अगर तो ये क्या होता है उधर सस्पेंशन खराब है ओके किधर हार्बर लाइन ओके तो ये क्या होता है वो कौन सा वेव है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैटर वेव। ट्रेन बंद है तब तक वेव नहीं है, ट्रेन चालू हो गई तो उसके अंदर की चीज क्या हो जाएगी वाइब्रेट होगी, उसको हम लोग कौन सा वेव बोलेंगे मैटर वेव। उसके लिए ये वेव ऑब्जेक्ट में घुस जाती है, ये वेव किस में घुस जाती है ऑब्जेक्ट में, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मैटर वेव। ओके वेव एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट, वेव एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ वेव एसोसिएटेड विद द मीडियम इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल वेव, वेव एसोसिएटेड विद द मीडियम इज मैकेनिकल वेव, वेव नॉट एसोसिएटेड विद द मीडियम उसको हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ ट्रेन की स्पीड कौन सी वेव मैकेनिकल वेव। समझना पत्थर पकड़ा जोर से तभी देखो ये पत्थर है पत्थर इसको जाके चिपकाता हूं ये क्या और वही पत्थर मैं वेरी हाई स्पीड से इसको फेंक के मारेगा तो क्या होता है वो रोने लगेगा क्योंकि उसको कौन सी वेव मिलेगी मैटर क्योंकि मैं अभी देखो पत्थर मैटर में वेव घुस जाती है इसके लिए मैटर बन जाता है। समझ में मैटर हो गया इसका मतलब क्या है दिस इज वन काइंड ऑफ वेव एक दूसरे को मारपीट करते हैं क्या हो जाता है मैटर आया ना ठीक है तो दिस इज कॉल्ड एज अ मैटर क्लियर हो गया ओके हाँ तो बच्चा लोग देखो पत्थर को जाके चिपकाया सिर्फ लगा दिया तो हंसने लगेगा दो से फिर के मारा उस पत्थर में क्या आएगी वेव आएगी दिस इज कॉल्ड एज अ मैटर समझ में आया मैटर वेव ओके वेव एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट राइट ऑन मैटर वेव a wave associated with any object wave associated with any object if it is in a motion such a wave are matter waves okay अभी देखो ये मैटर वेव है ना ये क्वांटम मैकेनिक्स में आता है कौन से वेव में क्वांटम ओके क्वांटम मैकेनिक्स ओके यू नो दैट क्वांटम मैकेनिक्स ओके मैटर वेव कम इन अ वीक मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स ये बच्चा लोग दिस इज नॉट अ ये मजाक वाली चीज नहीं है बच्चा अभी देखो ये अपना पूरा विश्व का जो बर्थ है वो एक बड़े स्पोर्ट से हुआ था बिग बैंग थ्योरी पता है ना बिग बैंग थ्योरी जिसमें क्या होता है एक बड़ा स्पोर्ट हुआ था और इस स्पोर्ट में जो पार्टिकल्स तैयार हो गए उसमें अपना अर्थ जुपिटर मून ये सब पार्टिकल तैयार हो गए ठीक है। एक्चुअली ये बिग बैंग थ्योरी ये एक इंडियन साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने लाया नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज आपको पता है जयंत नार्लिकर ओके उन्होंने वो बिग बैंग थ्योरी दुनिया के यानी कि जो अपना अर्थ का एस्टेब्लिशमेंट बड़े स्पोर्ट से हुआ है ओके और जयंत नार्लिकर ने ये बिग बैंग थ्योरी लिखा था। एक्चुअली उस थ्योरी का ना मींस उस थ्योरी में वही चीज अभी देखो उसके लिए एक्चुअली एनवायरमेंट वर्ल्ड के एनवायरमेंट ने उस मींस एक्सपेरिमेंट को परमिशन नहीं दिया। उन्होंने क्या किया था देखो अर्थ को ना ऐसा फोल्ड किया था ओके अकॉर्डिंग टू दिस वो अपना ये कैसा मींस वो पूरा ब्रह्मांड कैसे तैयार हो गया उसके लिए ये अर्थ को ना ऐसा होल बनाया था ओके बनाने का कोशिश था और इसमें से वेरी हाई पार्टिकल और हाई स्पीड पार्टिकल छोड़ने का
एकदम लाइट के स्पीड से पार्टिकल, यानी कि पत्थर फेंकेंगे ना तो भी उसको कितना स्पीड देने का, लाइट का स्पीड, पत्थर फेंकेंगे तो लाइट का स्पीड। अभी देखो पत्थर सेम रहता है, बराबर है ना। अभी मैं इसको धीरे से फेंक के मारेगा, ये हंसेगा, ओके, उसको जोर से स्पीड देगा तो रोएगा, ओके, और जोर से तो मेरे कहने का मतलब आप और आगे आगे जा रहे हो। तो ये बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग थ्योरी जो जिसने लिखा है वो किसके ऊपर बेस है? क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि ऑब्जेक्ट को स्पीड देना, ऑब्जेक्ट को स्पीड देना, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को स्पीड, ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा वेव आता है? एक वेव नेचर आता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ मैटर वेव। तो मैटर वेव सबको क्लियर हो गया। अभी देखो इस मैटर वेव के बाद हम लोग का नाम स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, डायरेक्टली स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। मैंने देखो इस टॉपिक का जो निकाला हुआ पार्ट था उसको भी थोड़ा पार रिवाइज करके लिया है ताकि आपको और भी आसान हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्ली बताया है। स्पीड ऑफ ए चलो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, प्लीज सी आर डोंट डू एनीथिंग नाउ। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, सबसे पहले हम लोग इधर कॉन्सेप्ट सीखेंगे स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव क्या होता है, ओके ओके। तो अभी देखो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, आपको पता होगा स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव के बारे में बातचीत करेंगे, ओके। तो अभी देखो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, अभी ये ट्रैवलिंग वेव का स्पीड जो है ना वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, ओके, किसके ऊपर डिपेंड करता है बोलो? मीडियम। किसके ऊपर? मीडियम, ओके, मीडियम के ऊपर, मीडियम ऑफ इलास्टिसिटी, मीडियम ऑफ किसका बोलो? इलास्टिसिटी, ओके। स्पीड ऑफ वेव इज डिपेंड अपॉन मीडियम ऑफ इलास्टिसिटी, मीडियम ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, एंड किसके ऊपर बोलो बेटा? डेंसिटी ऑफ मीडियम, ओके, डेंसिटी ऑफ मीडियम। अभी बच्चे लोग देखो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, यू नो दैट आपके पास रबर रहता है, रबर को खींचते हैं तो फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता, ठीक है। वो ओके, रबर को खींचते हैं छोड़ते हैं फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, तो उसको हम लोग रबर का क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। क्या रहता है? इलास्टिसिटी। ये मीडियम भी वैसा ही है। अभी देखो मैं गुड मॉर्निंग बोलेगा मीडियम हाइब्रिड होगा, फिर मीडियम एज इट इज हो जाता है, बाद में आप लोग गुड मॉर्निंग बोलते हो तो मीडियम फिर से हाइब्रिड होता है, फिर शांत हो जाता है। जैसे रबर को खींचते रबर एज इट इज हो जाता है, इसका मतलब रबर के पास कौन सा प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी। मीडियम भी वैसा ही है, मीडियम देखो मेरे आवाज के कारण वाइब्रेट होगा फिर एज इट इज, आप बोले आपके आवाज के कारण वाइब्रेट होगा फिर एज इट इज। तो बच्चा लोग देखो ये मीडियम है ना, मीडियम वो उस प्रकार से वाइब्रेट होता है, यानी कि मैं बोलेगा मीडियम वाइब्रेट होगा, आप बोलेंगे मीडियम वाइब्रेट होगा फिर शांत हो जाएगा, यानी कि वो रिगेन करता है। मीडियम के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल इस मीडियम के पास इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या हाल होता? मैं गुड मॉर्निंग बोलता तो आपको दिन भर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुनाई देता। रीजन क्या है? क्योंकि मीडियम फिर से अपनी ओरिजिनल पोजिशन लेता नहीं है। समझ में आया? अभी मीडियम क्या होता है देखो बेटा, वाइब्रेट। मीडियम क्या होता है? तो इसका मतलब फिर से शांत हो जाता है। मीडियम के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग डेंसिटी। अभी देखो यू नो दैट, अभी देखो ये मेरा लेक्चर इस क्लासरूम में नॉर्मल एटमोस्फियर है, मेरा आवाज अच्छे से सुनाई दे रहा है। सपोज अभी बच्चा लोग बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में देखो एयर में डेंसिटी, एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है,
बारिश के मौसम में एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो मैं कितना भी बोलेगा ना तो आपको वो क्या होता है, देखो वो प्रॉपरली स्पीड नहीं मिलेगा मेरे वेव को, मेरा आवाज लंबे डिस्टेंस तक सुनाई नहीं देगा। अभी मान लो कि मेरा आवाज है ना तकरीबन, अभी देखो उधर चाय वाले के इधर कोई रहेगा तो भी उसको सुनाई देगा, जोर से चिल्लाऊंगा तो भी, बाद में ऐसा होगा कि वो नीचे खड़ा है ना उसको भी सुनाई नहीं देगा, जैसे कि बारिश का मौसम रहेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में मीडियम का डेंसिटी क्या रहता है ज्यादा। तो बच्चा लोग देखो स्पीड ऑफ स्पीड किसके ऊपर डिपेंड रहता है, देखो स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव दो चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है, कौन से दो चीज बोलो, कौन से ये दो चीजों के ऊपर क्या डिपेंड रहता है, स्पीड ऑफ वेव डिपेंड अपॉन मीडियम ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम आया ना, नहीं समझा, क्लियर हो गया, इसके ऊपर डिपेंड है पक्का, ठीक है, वेरी गुड। तो एक काम कर दे, तो इधर राइट डाउन स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव डिपेंड्स अपॉन speed of traveling wave depends upon speed of traveling wave depends upon medium of elasticity and density of medium and density of medium। ठीक है, हो गया लिख के, चलो तो अपना जो आज का क्लास है इधर ही है ना, ये सिलेबस में है ना।